75 पर एक अनदर टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स विच कंटेन वन आर मोर पिगमेंट्स। ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ये एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर होता है। इससे मेम्ब्रेन लेयर, इस पर एक मेम्ब्रेन सा लेयर चढ़ा हुआ होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। प्लास्टिड की तीन अकसाम हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट प्लास्टिड्स आर कार क्लोरोप्लास्ट। सबसे अहम प्लास्टिड जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। दीज आर प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट का जो सब्ज हिस्सा होता है वहां पर मौजूद होता है। ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। These are present in green parts of plants, particularly in leaves where photosynthesis take place. ये ज्यादातर leaves में होता है जहां पर photosynthesis होती है। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये stroma है, ये जो stomata पर gaseous exchange होता है, ये leaf की surface पर होता है और इसकी शक्ल green होती है। A chloroplast is bonded by a double membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane give rise to sex card telechites. Chloroplast की दो membrane होती है, एक outer membrane होती है, ये outer membrane है जो कि smooth है, और inner membrane मुश्तमिल होता है telechites पर। इसको क्या कहते हैं? Telechites। ये जो green आपको नजर आ रहे हैं ये telechites हैं। The stalk of telechites is known as granum. इस telechites को क्या कहते हैं? Granum। Plural इसका है grana। एक को ग्रेना कहते हैं और इसकी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ग्रेनम। द टेलेकाइट्स कंटेन क्लोरोपिल। टेलेकाइट्स में क्या होता है? क्लोरोपिल होता है। द सेमी फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर जो फ्लूइड सा होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड सा होता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इसको ग्रेनम कहते हैं, और यहां पर जो फ्लूइड सा होता है इसको कहते हैं स्ट्रेनम या स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है ये फ्लूइड, और ये क्या है? टेलेकाइट। स्ट्रोमा एंड टेलेकाइट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम कहते हैं कलर को। इन प्लांट्स कलर्स अदर देन ग्रीन आर ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। आपने प्लांट की शक्ल देखी है, वो सारा ग्रीन होता है, सब्ज होता है, लेकिन प्लांट में ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो सब्ज नहीं होते, ग्रीन नहीं होते। वो रंग किस वजह से होता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड द राइपन फ्रूट्स। आपने देखा होगा प्लांट सारा ग्रीन होता है, लेकिन उनके जो पल होते हैं और उनके जो फ्लावर होते हैं वो या तो रेड होते हैं या व्हाइट होते हैं या येलो होते हैं या और कोई कलर के होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्रोमोप्लास्ट द ब्राइट कलर पेटल्स ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। क्रोमोप्लास्ट की वजह से फ्लावर्स के जो पत्ते होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं और खूबसूरत कलर के होते हैं, तो उस खूबसूरती की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आकर उन फ्लावर्स पर बैठते हैं जो कि बाद में पोलिनेशन करते हैं। नंबर थ्री, लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड। ये बेरंग होते हैं। दीज आर फाउंड इन सच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर द स्टोर फूड, पार्टिकुलरली इन रूट्स। ये वहां पर पाया जाता है जहां पर फूड सप्लाई हो, जहां पर फूड स्टोर होता है, फॉर एग्जाम्पल इन रूट्स, जड़ों में। Another topic is cytoskeleton. What is cytoskeleton? It is the network of filaments called microfilaments. ये एक network होता है, एक शाख सी होती है filaments की, जिसको हम microfilaments कहते हैं, and tubules called microtubules, और tubes की शक्ल होते हैं इसमें, जिसको हम microtubules कहते हैं। It is scattered in the cytoplasm. ये cytoplasm में
पहले हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स किन चीज से, एक प्रोटीन से बने होते हैं जिस प्रोटीन को हम ट्यूबुलिन कहते हैं, एंड आर यूज्ड बाय सेल्स एंड टू होल्ड देयर शेप। और ये सेल्स में होते हैं और इसकी एक शक्ल होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर आल्सो मेक सिलिया एंड फ्लैजेला। माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया और फ्लैजेला भी बनाते हैं। सिलिया और फ्लैजेला आपने देखा होगा क्लेमिडोमोनास में, ये क्लेमिडोमोनास की शक्ल है, ये इसकी क्या है, फ्लैजेला है। और या आप पैरामीशियम की शक्ल देखें तो इसमें क्या होते हैं, सिलिया से होते हैं, सिलिया, इसको हम सिलिया कहते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट्स एक प्रोटीन होता है, उससे बना होता है, जिनको हम एक्टिन कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन से बने होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। These are used by cell to change their shapes. ये सेल की शेप बदलने में इसकी मदद करती है, इसकी हेल्प करती है। Another topic is centriole. These are hollow and cylindrical organelles present in the cells of animals. ये एक hollow cylindrical की शक्ल में होते हैं, ऐसे ट्यूब से होते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बुक में आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, पेज 77 पर। ये आपको एक ट्यूब से नजर आ रहे हैं, ये पाइप से, इसको सेंट्रियोल कहते हैं। दीज आर होलो एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ज्यादातर एनिमल सेल्स में पाया जाता है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक सेल से बने होते हैं, वहां पर पाया जाता है। These are two in number, ये दो होते हैं सेल में, and are collectively called centrosome, और इसको combine इसको क्या कहते हैं, centrosome. Each centriole contains 9 triplets of microtubules. ये 9 triplets पर मुश्तमिल होता है, 1, 2, और जब मैं यहाँ पर 7 और बनाऊँ तो ये 9 बन जाएंगे। अब microtubules, their function is to form spindle fibers during cell division. सेल डिवीजन के दौरान, माइटोसिस के दौरान, जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो ये सेंट्रियूल की वजह से बनते हैं। हमने माइटोसिस में पहले भी पढ़ा था, जब यहां पर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो ये किस चीज की वजह से बनते हैं, सेंट्रियूल की वजह से बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स मूवमेंट जब होती है सेल डिवीजन में, माइटोसिस में, जब क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है, क्रोमोसोम की शक्ल में बनाता हूं, ये क्रोमोसोम है, ये जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम पर ऐसे बन जाता है। डायग्राम को आप देखें, ये क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं, डिफरेंट एलील्स इससे बन जाते हैं, तो सेल डिवीजन में ये इसकी हेल्प करती है। अच्छा, अनदर टॉपिक इज वैक्यूल। व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल इज अ फ्लूइड पिल सैक बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो खाली हिस्सा है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ये जो खाली हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये वैक्यूल है। इसमें फ्लूइड सा होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एनिमल सेल कंटेन मोर देन वन स्मॉल वैक्यूल। एनिमल सेल में एक वैक्यूल होता है, और प्लांट सेल में बहुत ज्यादा होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में ज्यादा वैक्यूल होते हैं, प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है। कैसे? ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें एक वैक्यूल है, और इस वैक्यूल ने इस न्यूक्लियस को साइड पर रखा हुआ होता है,
और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पर होता है क्योंकि वहां पर वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं और ज्यादा होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल एक होता है और लार्ज होता है, इसलिए इसने न्यूक्लियस को साइड पर रखा हुआ होता है। इन मैच्योर प्लांट सेल्स, मैच्योर प्लांट्स जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं, मेनी स्मॉल वैक्यूल फ्यूज टुगेदर टू मेक वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। स्मॉल वैक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उन्होंने एक लार्ज वैक्यूल बनाया हुआ होता है। द लार्ज वैक्यूल कंटेन्स वाटर साल्ट एंड अदर मटेरियल। लार्ज वैक्यूल में साल्ट वाटर और मिनरल्स और अदर मटेरियल्स होते हैं। इट पुशेस अदर मटेरियल्स टुवर्ड्स सेल वॉल एंड प्लांट्स सेल बिकम टर्जेंट। ये अदर ये जो दूसरे मटेरियल्स है इसको एक तरफ सेल वॉल की तरफ रखे हुए होता है जो कि इससे प्लांट सेल टर्जेंट बन जाता है, सख्त बन जाता है। मेनी ऑर्गेनिज्म टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मटेरियल बाहर की तरफ चले जाते हैं जो कि फूड वैक्यूल का काम करते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैक्यूल को एक्सक्रीशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, इससे एक्सक्रीशन करते हैं जो वेस्ट मटेरियल है बाहर की तरफ ये ले जाता है। Another topic is nucleus. Nucleus एक अहम तरीन हिस्सा है सेल का। The most important and visible part of cell is called nucleus. सबसे अहम और visible part जो कि नजर आता है सेल में वो है nucleus. न्यूक्लियस का क्या काम है? ये सेल डिवीजन, इसके अंदर डीएनए होता है जो कि सेल डिवीजन में पर हेल्प करती है, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करती है, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में, याद रखे, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और प्लांट सेल में ये साइड पर होता है। In the mature plant cells, it is pushed to the outside due to the presence of large center vacuole. Plant cell में nucleus जो होता है वो side पर होता है क्योंकि उसमें vacuole बड़ा होता है, उस vacuole ने इस nucleus को एक side की तरफ रखा हुआ होता है। The nucleus is bounded by a double membrane. ये nucleus एक double bounded membrane इसके इर्गिर्द होता है, कार्ड न्यूक्लियर इनवॉल्व, जिसको हम न्यूक्लियर इनवॉल्व भी कहते हैं। इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज अ ग्रेनुलर मैट्रिक्स कार्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक मैट्रिक्स सा होता है, ग्रेनुलर मैट्रिक्स सा होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन विच वन आर टू न्यूक्लियाई आर क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। जहां पर वन या टू न्यूक्लियाई होते हैं और जहां पर क्रोमोसोम होता है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं पेज 79 पर। The chromosomes are more visible in the dividing of cell. Chromosome ज्यादातर नजर आते हैं और ये cell division में फिर help करते हैं। In non-dividing cell, और वो cell जो division नहीं करते, chromosomes are in the palm of a network of fine threads known as chromatin network. तो क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, धागा सा होता है, जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम किस चीज से बने हुए होते हैं? डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, एंड प्रोटीन्स और प्रोटीन से। डीएनए कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जो सारी एक्टिविटीज है ये डीएनए कंट्रोल करती है। द क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। सारे जो स्पीशीज होते हैं, सारे जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन सेल इट इज 46। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन रेडिश और जो गाजर होता है उसमें 18 होते हैं, एंड इन ओनियन और प्याज में 16 होते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट सेल में मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। रेदर देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली इन सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म, और उसका क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ होता है।
अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या तब्दीलियां हैं, तो ये टेबल को आप देखें। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में दे लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल ये इसमें नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस से डबल मेम्ब्रेन, उस पर डबल मेम्ब्रेन चढ़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। अच्छा, राइबोसोम आर स्मॉलर इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम स्मॉलर होते हैं और यूकैरियोटिक में लार्जर होते हैं राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पेप्टोग्लाइकेन से बना हुआ होता है और यूकैरियोटिक सेल में ये सेलुलोज से बना होता है, प्लांट्स में और फंजाई में काइटिन से और बैक्टीरिया में म्यूरिन से। प्रोकैरियोटिक सेल कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, 0.5 mm होता है और यूकैरियोटिक सेल में बड़ा होता है 10 to 100 nanometer। इन प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक सेल एग्जांपल आर प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। थैंक यू।